पापों से या होने वाले अनेक प्रकार के कष्टों से जो त्रास मिलेगा उनसे कौन बचाएगा? क्योंकि ऐसा लिखा है कि कलयुग में धर्म अधिकारियां, जो धर्म के अधिकारी हैं, वो भी धर्मच्युत हो जाएंगे, उनसे भी चूक होने की संभावना है। लोग धर्म के आवरण को भी शंका से देखेंगे, साधु संतों महात्माओं पर से भी विश्वास थोड़ा हिलेगा। तो ऐसी स्थिति में हमारी रक्षा कौन करेगा? उद्धव ने कृष्ण से पूछा। तो भगवान वही ज्योति पुष्प बन के भागवत जी में समा गए, 18,000 श्लोक बन के फैल गए, भागवत जी का स्वरूप धारण कर लिया। श्रीमद् भागवताख्योयम् प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि, श्रीमद् भागवताख्योयम् प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि, स्वयं भगवान है, प्रत्यक्ष भगवान है। रचनाकार हुए बड़े बड़े, कई रचनाकार सृष्टि में आए जिन्होंने अपनी रचनाओं से इस समाज को, देश को नया स्वरूप दे दिया, नया रूप दे दिया, नया आकार दे दिया। कोई एक शिल्पकार होता है, कैसे छेनी हथौड़ा से ठुक ठुक करके एक शिला में से सुंदर ओष्ठ कपोल भाल बना देता है, पुष्ट भुजाएं, आंखें बना देता है, और फिर हौले से उसमें जब बांसुरी सरका दी जाती है तो उसकी रूप माधुर्य साथे अभिभूत होत भक्त कहने लगते हैं जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ऐसा आकर्षण पैदा हो जाता है। भगवान ने भी सोचा कि मैं भी रचना करता हूं। उसने सृष्टि बना दी, धरती बना दी, न जाने कितने रंगों से भर दिया इसे, अनेक रंग के पुष्प भर दिए। लेकिन इस बार भगवान ने सोचा कि मैं कुछ नया करता हूं, तो भगवान ने अपने शब्दों की एक मूर्ति बनाई कि लोग पत्थर की मूर्ति बनाते हैं, कागज पर कुछ रंग बिरंगी मूर्तियां बनाते हैं, कुछ चित्र बनाते हैं, कैनवास पर कोई उकेरते हैं, लेकिन मैं इस बार शब्दों की मूर्ति बनाता हूं। तेने यम वांगमयी मूर्ति, भगवान ने अपनी शब्द काया बनाई, नारायण ने स्वयं के शब्द की मूर्ति बनाई, श्रीमद् भागवत जी उनकी वांगमयी स्वरूप हैं, वाणी हैं, वाणी स्वरूपा शब्द काया है। भगवतः अयम, स्वयं ईश्वर हैं। श्री राधा जी तोते को अपने सुख को कथा सुना रही हैं और शिव भी सुख को कथा सुना रहे हैं। शिव भगवान ने भी एक तोते को, मरणासन्न तोते को कथा सुनाई थी, और उधर राधा जी के पास भी एक तोता था, उन्होंने भी एक सुख को कथा सुनाई थी। महाविष्णु भी ब्रह्मा को एक कथा सुना रहे हैं और काकभुशुंडी भी शिव को एक कथा सुना रहे हैं, सनकादिक नारद को कथा सुना रहे हैं, गोकर्ण महाराज धुंधकारी को कथा सुना रहे हैं, परमहंस सुखदेव परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। ये कौन सी कथाएं हैं? और यदि ये यही कथाएं सुना रहे हैं जो मैं आपको सुना रहा हूं, तो फिर अमृत कहां चला गया? इसकी जिजिप्सा कहां चली गई? अमर करने वाली वो जो इसका एक परिचय था, वो कहां खो गया? क्या ये वही कथा है जो काकभुशुंडी ने शिव को सुनाई है, जो सनकादिक नारद को सुना रहे हैं, जो सुखदेव परीक्षित को सुना रहे हैं, जो गोकर्ण ने धुंधकारी को सुनाई थी? ये वही कथा है कि वो और कथा सुना रहे हैं? ये तो प्रमाणित है कि ये वही कथा है, कथा में भेद नहीं है। क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय श्री राधा जी ने सब विस्तार
वज्रनाभ की मां को यह कथा सुनाई थी और गर्भ में वज्रनाभ जी ने वो कथा सुनी थी। और वज्रनाभ फिर से सांडिल्य के पास परीक्षित को लेके कुसुम सरोवर वृंदावन गोवर्धन उद्धव जी से कथा सुनने गए। जो गर्भ में सुन ली है, जो कथा सांडिल्य से सुन ली है, जो कृष्ण की लीलाएं, और वही सुनने के लिए कुसुम सरोवर गोवर्धन गिरी निकटे सखी स्थले, वही कथा सुनने वो उद्धव के पास पहुंचे हैं। लेकिन परीक्षित यहां साथ में है। अब परीक्षित ने कथा सुन ली थी लेकिन वो मुक्त नहीं हुए, न भय से मुक्ति मिली, न मोक्ष मिला, कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन फिर वही कथा जब सुखदेव मुनि ने परीक्षित को सुनाई तो वो मुक्त हो गए। कथा वही, क्योंकि ये एक त्रयी है, भक्त भगवंत गुरु। आपको पहले भक्त बनना पड़ेगा, भक्त ईश्वर और गुरु ये तीन चीज मिल जाएं, तब नारायण की सिद्धि है। अब भगवान और गुरु तो मौजूद हैं, भक्त बनना है, नारायण तब मिलेंगे। दुर्योधन नित्य भगवान के साथ रहता था और भगवान ने उसे कई बार कहा कि तू ये अपराध छोड़, तू धर्म मार्ग का पथिक बन, लेकिन दुर्योधन ने कभी माना नहीं। तो जब तक आप धर्म मार्ग के पथिक न बन जाएं, ये कथा सुने सदा श्रेव्या सदा श्रेव्या, श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिम चित्तम समाश्रय। तो जब तक आप भक्त न बन जाएं, पक्के भक्त न बन जाएं, ये कथा श्रवण करें, बार बार ठोक ठोक के देखते रहें कि कच्चा हूं कि पक्का हूं, कच्चा हूं कि पक्का हूं, कच्चा हूं कि पक्का हूं। और जब पक्का हो जाए कि पक्का हो गया, तब कथा का प्रभाव प्रारंभ होगा, तब इस कथा का प्रभाव प्रारंभ होगा। चतुराई झूठ चालाकी से कुछ तो हाथ लगा नहीं, सब खो दिया। जो रिश्ते नाते पति पत्नी बच्चे मित्र सखाओं को समेटने में पूरा जीवन लगाया, वो तो सब छिटक के चले गए, छोड़ के चले गए। आपके हाथ पल्ले कुछ आया कहां? तो सदा सेव्या, जब तक आप सुनते रहें, जब तक ये बात समझ में ना आ जाए कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या। संत सब कुछ दूसरों के लिए करता है। वृक्ष कभू न फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। नदी कभी अपना जल नहीं पीती, साधु कभी अपने लिए कुछ इकट्ठा नहीं करता। हो सकता है उसके पास एक झोला कंबल कुछ हो, तो वो इस शरीर की रक्षा के लिए है, क्योंकि ये नौका है, इस भव सागर को पार करने की। नौका में कहीं कोई दोष ना आ जाए।